नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। गुरुवार सुबह तुर्की के बरसा में एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु जैसा दिखने वाला एक दुर्लभ बादल तैरता हुआ देखा गया। द गार्जियन के अनुसार लगभग गोलाकार बादल, जिसे लेंटिकुलर क्लाउड के रूप में माना जाता है, लगभग एक घंटे तक नजर आता रहा। कई इंटरनेट यूजर्स ने इसे दुर्लभ घटना का अपने फोन में कैद किया है। यह सूर्योदय के समय दिखाई दिया और जिसके बीच में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। एक यूजर्स ने यूएफओ जैसे बादल की तस्वीर और वीडियो शेयर करते हुए लिखा, तुर्की आज एक असामान्य सुबह। विचित्र दिखने वाले बादल के वीडियो और तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो गए हैं। सैकड़ों सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि बादल यूएफओ जैसा लग रहा है। हालांकि तुर्की के राज्य मौसम विज्ञान सेवा ने कथित तौर पर समझा है कि दुर्लभ घटना केवल लेंटिकुलर क्लाउड थी। द गार्जियन के अनुसार लेंटिकुलर बादल अपने धुआंधार उड़न तश्तरी जैसे दिखने के लिए जाने जाते हैं। वे आमतौर पर 2000 और 5000 मीटर के बीच की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। फॉक्स न्यूज के अनुसार लेंटिकुलर बादल तब बनते हैं जब वायुमंडल की परत संतृप्ति के ठीक ऊपर होती है, जिसका अर्थ है कि हवा के स्थिर और नम होने पर पहाड़ियों और पहाड़ों पर तेज हवा के उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप बनते हैं। वे अक्सर सर्दियों में बनते हैं, लेकिन साल के अन्य समय में उन्हें अभी अभी देखना संभव है। इस प्रकार के बादल अगले दिन के भीतर वर्षा का संकेत हो सकते हैं या आने वाले तूफान के आगे वातावरण में नमी हो सकती है। ऐसे में पश्चिमी तुर्की में गुरुवार को एक कमजोर कोल्ड फ्रंट आ रहा था। वर्षा के एक पर्वत श्रृंखला के आधार पर भी स्थित है, जिसके घटना की संभावना अधिक होती है।